Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am gonna tell you about the terrace kiari, जो हमने recently बनाई है अपने terrace पे. ये मैंने specially fruit plants लगाने के लिए बनाई है, इसीलिए इसका height जो है थोड़ा ज़्यादा है. And अगर आप flower plant या फिर vegetable plant लगाना चाहते हो तो इतना height ना करो तो भी चलेगा. तो चलो step by step ये कैसे बना ये दिखाती हूँ. तो सबसे पहले देखिए terrace का जो wall है उसको तोड़ा जा रही है. Actually wall को तोड़ा नहीं जा रही, wall के ऊपर की जो क्या कहते हैं इसको प्लास्टर है, वो प्लास्टर को हटाया जा रही है. क्योंकि ये प्लास्टर अगर रहेगा एंड इसके साथ ही अगर क्यारी बनाऊंगी तो क्या होगा, वाटर सोक करने का प्रॉब्लम रहेगा. तो आई डोंट वांट वाटर सोक करे, तो इसीलिए ये प्लास्टर जो है उसको हटाया गया सबसे पहले. एंड देन इसका जो हाइट है मैं थोड़ा इंक्रीज करने के लिए कहा, हाइट है उसके साथ एक ब्रिक और ऐड करा, तो इसके लिए हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया. एक्चुअली मैंने पहले कहा कि यहाँ पे मैं फ्रूट प्लांट्स लगाऊंगी, तो फ्रूट प्लांट लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, इसीलिए तो हो गया. एंड साथ में पाया भी लगा दिया, क्योंकि पाया लगाने का मेन रीज़न है इसके ऊपर बेस बैठेगा. तो इस साइड में देखिए अब बनेगा बेस. बेस को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आयरन रॉड दिया जाएगा. तो आयरन रॉड देने के बाद उसके ऊपर सीमेंट दिया जाएगा. जैसे हमारे रूम के जो सीलिंग बनता है, रूफ जो बनते हैं, उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी ये बेस बनेगा, ताकि बेस जो है वो हार्ड बेस बने. इसीलिए तो बेस मेरा बन चुका है दोनों साइड में ही. एंड इसी बेस को पकड़ने के लिए या फिर खड़े रखने के लिए नीचे बेस पाया दिया हुआ है. तो ये भी ब्रिक से बना हुआ है पाया सारा. तो देखिए ऑलरेडी बारिश हो चुका है, मौसम का हालत देखिए, इसलिए ये प्लास्टिक से ढका गया. नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सारे प्लास्टिक जो है उसको हटा दिया. एंड अभी फ्रेश है वेदर एंड ये भी पूरा नॉर्मल हो चुकी है, अब रेडी है. इसके ऊपर जो सेकंड वॉल बनाने का प्रोसीडियर है वो अब स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले ये जो आप वुडन क्या कहते हैं इसको फ्रेम को हटाया जाएगा. एंड नीचे देखिए थोड़ा मैंने गैप रखी है, इससे ज़्यादा मैं गैप नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मैंने हाइट बढ़ानी है. अगर आप हाइट थोड़ा कम करोगे तो नीचे का जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, तब इजीली उसके अंदर जो भी है उसको बाहर निकाल सकते हो. ये भी इसके अंदर भी जो भी अगर जाएगा इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ इजीली, तो मैं इतनी तक ही रखी हूँ. तो इस साइड का जो वॉल है सेकेंड वॉल, तो वो मेरे बनके रेडी हो चुका है. एंड ये जो वॉल है ये भी मैंने 5 इंच का बनाई हूँ, बनाने के लिए कहा. मुझे कहा गया कि 5 इंच का बनाना है या फिर 3 इंच का बनाना है. मैंने उसको कहा कि 5 इंच का वॉल बना दे, क्योंकि आप 3 इंच का भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे फ्रूट प्लांट्स लगाऊंगी, उसका हैवी वेट है, तो मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो बाद में. तो इसीलिए मैंने 5 इंच का वॉल बनाने के लिए कहा. अब देखिए पूरा वॉल जो है मेरा बन चुका है. अब ये क्लोज्ड सरफेस लग रही है. एंड अभी देखिए वो भी साइड का जो वॉल है वो भी 5 इंच का है, ये भी 5 इंच का है. एंड मिडिल पे ना हमारे घर पे ये बीम है, तो ये बीम जो है इसके दोनों साइड पे मैंने ब्रिक लगाने के लिए कहा, क्योंकि ये इसका जो वॉल है ये ना मेन वॉल से टच कर रही है. अगर ये वाटर सोक करेगा तो ये वाटर भी उस वॉल पे भी सोक होगा, तो ये मैं नहीं चाहती वाटर सोक करे, तो इसीलिए इन दोनों वॉल पे लगाने के लिए कहा. एंड फ्रंट पोर्शन पे देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैंने ब्रिक लगाने के लिए मना किया. एंड इसका हाइट इतना ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि ये स्टाइल भी लगेगा दिखने में. एंड इतनी तक ही मुझे सॉइल भरनी है, इससे ज़्यादा मुझे सॉइल नहीं भरनी है, तो इसीलिए. एंड इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ गया है, देखिए प्लास्टर पाया में भी लगाया है एंड ऊपर का जो वॉल है वॉल पे भी लगाया है. अब 75% लग चुका है. एंड अभी देखिए टोटल लग चुका है प्लास्टर. एंड ऊपर में देखिए थोड़ा क्या सीमेंट जो है, सीमेंट को पानी में घोल कर ऐसे बनाए हैं, ताकि इसका जो सरफेस है बहुत स्मूथ रहे. ये सरफेस एंड ये सरफेस दोनों देखिए डिफरेंट सरफेस है. ये इस पर टच करोगे तो रब करोगे तो घिस जाएगा आपके हाथ. एंड ये यहाँ पे मैंने आउटलेट रखी है पानी को बाहर निकालने के लिए, अगर एक्सेस वाटर अगर हो गया तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने आउटलेट दी है. एंड ये जो वॉल है इसमें अभी प्लास्टर नहीं हुआ, हो जाएगा. तो ये देखिए आउटलेट अंदर से. एंड अब
अभी देखिए इनर साइड जो है यहाँ पे मिट्टी रहेगा, दैट मीन्स पानी रहेगा। अब या ये जो पोर्शन है आपको वाटर सोक नहीं करना चाहिए। अगर वाटर सोक कर गया तो फिर आपके जो वॉल है वो ख़राब हो जाएगा, तो आई डोंट वांट दैट। तो इसीलिए अंदर की जो पोर्शन है पूरा ही क्या करे, पहले प्लास्टर लगाया, प्लास्टर के साथ वाटर सोक ना करे, इसीलिए क्या किया जा रहा है, सीमेंट है, सीमेंट को पानी के साथ घोल के ऐसे दिया जा रही है। ऑलरेडी साइड बन चुका है, कल बनाया इन लोगों ने, तो अभी ये सूख गया। एंड ये जो पोर्शन है अभी बना रही है तो कल तक ये सूख जाएगा। तो इस आपको भी अगर आप टेरिस पे ये क्यारी बना रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखनी है। हमारे घर पे एक मेहमान आ गया, एक वाइट पिजियन। अब देखिए नीचे का जो बेस है उसके ऊपर थोड़ा स्टोन्स एंड सीमेंट मिला के ये दे रहा है। एक्चुअली प्लास्टर करने का तरीका है ये। एंड ये मेरा जो आउटलेट है एंड उसके बाद इसको अच्छे से दबाया जा रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, जिस साइड पे आउटलेट है साइड थोड़ा नीचे की तरफ है, मतलब ढाल के जैसे ऑपोजिट साइड में थोड़ा ऊंचाई है एंड जिस तरफ आउटलेट है उस तरफ थोड़ा नीचा है, ताकि वाटर जो है ऑपोजिट साइड में से गिर के इस साइड आ जाए एंड ईजिली बाहर चले जाए। एंड यहाँ पे देखिए सीमेंट के जो लेयर है वो डाला जा रहे ताकि स्मूथ दिखे एंड वाटर सोक ना करे। एंड ये रहे मेरा आउटलेट, यहाँ से ईजिली जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। एंड जब वो सीमेंट की घोल इसमें डाल रहा था तो ना वो पाइप के अंदर जा रहा था, तो पाइप जो है मतलब वाटर आउटलेट जो है उसको क्लियर करने का काम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा क्या कहूँ इसको डाउन करा गया ताकि इजीली पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। कंप्लीट हो जाने के बाद ना मैंने शूट करना भूल गई थी, तो प्लांट लगाने के बाद मैं शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्रूट प्लांट्स ऑलरेडी लगा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये जो सॉइल मिक्सचर मैंने प्रिपेयर करी है फॉर माय टेरेस क्यारी, ये क्योंकि सॉइल मिक्सचर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर टेरेस गार्डनिंग। अगर मिट्टी ज़्यादा हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आपको छत के प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैं मिट्टी जो है मैंने बहुत ही हल्का बनाई है। एंड कैसे प्रिपेयर करी है, ये प्लांट जो लगाई है मैंने कैसे लगाई है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी, ताकि आप भी इजीली ये टेरेस क्यारी अपने छत पे बना सकते हो एंड आपके मनपसंद प्लांट लगा सकते हो। एंड अगर आपको इसके कॉस्ट रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी एंड उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कितना मुझे कॉस्ट लगा, कितना खर्चा हुआ, सब कुछ बता दूंगी। तो आज के लिए वीडियो था इतना ही, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ये वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।